फूल नहीं बचा था, ये बात किसी को पता नहीं, मैं आज खोल रहा हूँ इस राज को। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। मुख्तार अंसारी, वो नाम जिसकी कभी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, जिससे बड़े बड़े चेहरे भी सीधे तौर पर टक्कर लेने से कतराते थे, जिसका नाम मुख्तार अंसारी ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। वो मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया से जा चुका है। मुख्तार अपने पीछे एक लंबी और बड़ी बहस छोड़कर गया है। उसके परिवार के लोग और विपक्ष के नेता मुख्तार की मौत को एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। लेकिन इसी बीच मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार से जुड़ी एक ऐसी खबर बताई, एक ऐसी बात बताई जो किसी को भी नहीं पता थी। उमर ने खुद बताया कि मुख्तार से जुड़े इस किस्से को कोई भी नहीं जानता। दरअसल मुख्तार अंसारी की कब्र पर चंदौली और गाजीपुर के सपा विधायकों के साथ पहुंचे उमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्तार का एक किस्सा सुनाया। उनसे सवाल किया गया था कि सुनने में आ रहा है कि जिस जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, वहां के कैदी ढंग से कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं। तो इस पर मुख्तार ने बताया कि कैसे जब मुख्तार पंजाब जेल से वापस बांदा जेल में आया था, तो कैदियों ने उसके आने पर क्या कुछ किया था। सुनिए आप भी मुख्तार के बेटे उमर की जुबानी। एक सूचना आपको नहीं होगी, मैं दे दूं, जिस दिन उनको पंजाब से ले आया गया था बांदा की जेल, उससे पहले वो बांदा रह चुके थे, फिर पंजाब चले गए थे। पंजाब से जब वापस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी मेडिकल एडिक्वेट फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाए। और जब बांदा की जेल लाया गया था, तो बांदा की क्यारी में, जेल की क्यारियों में कोई फूल नहीं बचा था, ये बात किसी को पता नहीं, मैं आज खोल रहा हूँ इस राज को। कोई फूल नहीं बचा था, वहाँ के कैदियों ने जब वो अंदर घुसे हैं जेल के, तो सारे बंदियों ने, उस वक्त जेल खुला हुआ था, सुबह के 6 बजे उनको जब दाखिल किया गया, जेल खुल चुका था, तब तक जेलर के कमरे में बैठा हुए थे, सारे कैदियों ने फूल सारे तोड़ के क्यारियों से, और उनको फूलों की वर्षा उनके ऊपर की थी। गरीब मजलूम बेसहारा कहीं भी किसी जनपद किसी जगह, मेरे यहाँ लोग केरला से भी अभी आए हैं, महाराष्ट्र से और राजस्थान से मोटरसाइकिल से लोग आए हैं, झारखंड से मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि लोग दुख में होंगे, और कुछ भी गम में इमोशन में आदमी कर सकता है, मुमकिन है कि ना खाना खा रहा है, मैं मानता हूँ इस बात। तो फिलहाल मुख्तार इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन अभी भी उसकी मौत के बाद शुरू हुआ सियासी बवंडर कहीं से भी थमता नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कि मुख्तार के 40वें पर क्या अब्बास अंसारी और मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी नजर आते हैं या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुख्तार की मौत पर जो बहस छिड़ी है उसे एक अंजाम मिल पाता है या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि खबर आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है मेरे सहयोगी विनय सिंह को, जो कि गाजीपुर से हमारे पत्रकार हैं, और कैमरे के पीछे मेरा साथ दिया मेरे साथी कमर ने। नमस्कार।